नमस्कार, मैं संजय पत्की, स्वर स्वामी एक और स्वर स्वामी दो ऑफिशियल, इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हो रहा हूं। अब नेचर ही एक चीज करता है, मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं कि देखो, शास्त्र सिखाने वाले 50 लोग होंगे, शास्त्र समझाने वाला शायद और कोई होगा, मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको वो जो सब चीज है वो कैसे आपके दिमाग में और कैसे वो बाहर निकले, दिमाग में आए और बाहर निकले। ये जब आप थ्रो कर रहे हो उसकी रेंज में, ये जब थ्रू माइक में जाएगी तो प्रॉपर वे में चली जाएगी, पर आप माइक के सामने कितने बार जाते हो, रियाज माइक के साथ करते हो क्या, ऑन स्टेज जब जाते हो तभी आपके हाथ में माइक आता है और आपको पब्लिक दिखने के बाद में, एक्साइटमेंट होने के बाद में आपका थ्रो ज्यादा होता है, नेचुरली बात है, आपका वो ध्यान निकल जाता है क्योंकि उसके पहले आपको उसका प्रैक्टिस नहीं रहता, सराव नहीं रहता, आप नहीं कर सकते। रोज रोज माइक पे गाइए, आपको आदत हो जाएगी, कितना रेंज चाहिए, कितना दूर चाहिए, कितना करीब चाहिए, ब्लो कहाँ पे होता है, ब्लो कहाँ पे नहीं होता है, किस सुर को किस एयर के साथ में कितना थ्रो करना चाहिए, पहला थ्रो कैसे करना चाहिए, ऑन सेट जिसको कहते हैं, वो सेट कैसा होना चाहिए पहला, अगर पहला ही बिगड़ गया तो बाकी तो सब बिगड़ना स्वाभाविक है। तो वेस्टर्न म्यूजिक में ये चीज़ों के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता है और इको सिस्टम भी यही काम करती है, इको मशीन जो होती है ना, आपका पहला जो थ्रो होता है वो जो थ्रो वो इको में ओवरलैप होते होते, तो पहले थ्रो पे वो कंटिन्यूटी वहाँ पे हो जाती है और दूसरा आपका आवाज़ थोड़ा बेसुर भी हुआ तो वो पहले थ्रो का जो फोर्स रहता है उसमें वो एडजस्ट हो जाता है करके आपका आवाज़ जो उसमें सुनाया जाता है, गूंज सुनाई जाती है, तो गूंज पहले फोर्स की गूंज रहती है उसके लिए आपका आवाज़ बेसुर नहीं लगता है। अब आप स्टीरियो निकाल दीजिए, इको निकाल दीजिए, मोनो में अपना आवाज़ गाना सुनिए, आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी आवाज़ नीचे लग रही है, नीचे। अगर ये अगर भुवनेश्वर है या फिर कोई भी एक शहर का नाम लीजिए, आप इधर से एंट्री करते हो, इधर से एंट्री करते हो, इधर से, इधर से, किधर से भी करते हो, लेकिन सेंटर में जब तक आते हो तब तक आप वो शहर के सेंटर में पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। आपका क्या होता है कि थ्रू इसके गाते वोकल कॉर्ड से जो आवाज़ निकलती है उसको किस तरीके से रखना है ये पता ना होने के कारण आप वोकल कॉर्ड को ही वहीं पर उसी की ताकत को यूज़ करके उसका ही वहाँ प्रेजेंटेशन करते हो, तो आपकी आवाज़ हरदम ऐसे लगती है। जब आप आधा पौन घंटा रियाज करेंगे उसके बाद में आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी गर्म होती है, वो रेंज में आने लगती है, तो आपका मूड भी लगता है। अच्छा, उसमें ताकत लगी तो खराब हो जाता है। यहाँ पर अगर स्ट्रेन आता है तो यहाँ पर स्ट्रेस आता है और फिर सोचने का जो वो ये रहता है, मतलब वहाँ का जो एक सेंटर होता है वो ब्लॉक हो जाता है, आदमी की सोचें खत्म होती है, बार बार रिपीटेशन आते हैं, यार मैं इतना सोच रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो गाना सीखे हैं वो गाना सेट करके गाते हैं कि अब मैं निरेगा बोलूँगा, अब निरे मागा बोलूँगा, ये पहली सिस्टम है, पहले 5 साल 6 साल 7 साल ये प्रोसीजर चलती आई है, चलना भी चाहिए क्योंकि जब सोचोगे नहीं तो गाओगे क्या, लेकिन लास्ट तक यही सोचते रह जाओगे कि सोच सोच के गाओगे, तो इतना पहले कलेक्ट कर लो अंदर, इतना जमा कर लो कि आपका वो सब ऐसा जैसे दूध जाता है ना, ऐसा निकल के गर्म करते वक्त वैसा सब आलाप निकलना चाहिए। आपके आलाप अगर वैसे बाहर पड़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत सोचने की और थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा उसमें मूड डालने का जरूरत होता है। फॉर्म क्या चीज़ होती है बताया ना परवेज जी ने, वही बैट्समैन, वही बॉलर, वही पिच, वही प्लेयर जो पहले 10-20 बॉल में 5 रन निकालता है, आगे जब वो कॉन्फिडेंस लेवल उसकी बढ़ जाती है तो सब कुछ वही रहने के बाद में जो बदलाव नज़र नहीं आता, दिखता नहीं, वो नज़र आता है उसके परफॉर्मेंस में, जिसको हम फॉर्म बोलते हैं, जिसको हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो कहाँ से आता है। हर एक चीज़ को बार बार करने से उसके अंदर एक विश्वास कायम होता है और विश्वास अपने अंदर कायम होता है, इसलिए वह आत्मविश्वास और वही असर करता है। जिसके पास में कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है
वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये तो बिल्कुल 100 गुना सच है, 100%। आत्मा कितना भी अच्छा सीखा हो, बहुत तैयारी हो, लेकिन ऑन स्टेज वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका जब कम हो जाता है। अब कॉन्फिडेंस लेवल कम होने के 2-3 कारण हैं, या तो उस चीज के ऊपर उसका इतना अभ्यास नहीं है, या तो फिर अभ्यास है तो भी गलत तरीके से उसका प्रेडिक्शन हो गया है, या फिर पब्लिक के सामने जो स्टेज परफॉर्मेंस है उसका अभ्यास नहीं है, या तो फिर अभ्यास रहने के बाद में भी सामने कौन बैठा है, हमसे बड़े जानकार लोग बैठे हैं क्या, ये भी चीज असर करती है। आप लोगों का भरोसा खुद पे होना चाहिए कि परफॉर्मेंस करते हुए आपके गुरु ने जिस तरीके से आपको सिखाया है, उस तरीके को आपने खुद कितना तराश के तैयार किया है कि जो स्टेज परफॉर्मेंस करते वक्त आपको किसी चीज का डर ना लगे। सामने वाले बड़े लोग बैठे, पहले बुजुर्गों को सलाम करके, नमस्कार करके, उनका रिस्पेक्ट करके, भाई गलती हो गई है तो माफ कर देना, ये सब समर्पण की भावना जब तक अंदर तक नहीं डेवलप हो जाएगी। आजकल तो ऐसे चेले हैं कि गुरु ने कुछ बोल दिया तो बस गुरु को, तुमको क्या आता है, तुम क्या कर रहे हो, तो ये जो भावना आती है, तो आजकल आर्टिस्ट भी तो वैसे तैयार हो रहे हैं, वो भी कुछ ऐसे बोलते गाजर की पूंगी, जो बजी तो बजी, नहीं तो खा लिया, तो वैसे रहता है वो। तो ऐसे साधना कैसे की जाती है, जो साध्य करना है, साधन भी है, साधक भी है, क्या साध्य करना है वो चीज भी पता है, लेकिन करना क्या है तो साधना है, मतलब मिलाना है, मतलब प्राप्ति करना है। तो नेचुरली आपकी आवाज जो है वो जिस भी प्रकार की आपको प्रभु के तरफ से मिली हुई है उसको अच्छे से तैयार करना आपका परम कर्तव्य है।